फरवरी को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का देहांत हो गया। इस खबर से पूरे देश में शोक छाया रहा। उनकी अंतिम यात्रा में देश की कई नामी हस्तियां शामिल हुई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अभिनेता शाहरुख खान भी पहुंचे थे। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जाने लगा। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इसे शेयर करते हुए भाजपा नेता और समर्थक दावा कर रहे हैं कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर थूका। ऐसा दावा करने वालों में भाजपा हरियाणा आईटी सेल के स्टेट इंचार्ज अरुण यादव और भाजपा प्रवक्ता गौरव गोयल शामिल हैं। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव ने भी ये दावा किया। सुरेश चौहान के ने भी अपने न्यूज चैनल सुदर्शन न्यूज पर ऐसा ही दावा चलाया। हम स्कॉलर को भी फोनों पर आने का अपील कर रहे हैं, जो हमको ये बता सके कि आखिर ये क्या हुआ है। हम कंट्रोल रूम से कई इस्लामिक स्कॉलर को फोन पर लेने का प्रयास कर रहे, लेकिन मामला शाहरुख का होने के कारण किसी भी प्रकार से कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये देखिए, शाहरुख खान ने थूका है या ये प्रश्नार्थक है, थूका है, फूका है या क्या किया है, लोग प्रश्न पूछ रहे। तो क्या है इस दावे की सच्चाई, आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो देखने पर साफ मालूम होता है कि भाजपा नेताओं ने भ्रामक दावा किया। शाहरुख खान लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के पास दुआ पढ़ रहे थे और इस दौरान फूंकना एक इस्लामिक परंपरा है। ऑल्ट न्यूज ने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना महमूद मदनी से बात की। वो जमियत उलमाए हिंद के महमूद गुट के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी शाहरुख खान के थूकने के दावे को गलत बताया। और भी कई इस्लामिक धर्मगुरुओं ने इस बात की पुष्टि की है। देखिए, लता मंगेशकर साहिबा के पार्थिव शरीर पर शाहरुख खान साहब की जो वीडियो ये कहकर वायरल की जा रही है कि वो उस पर थूक रहे हैं, ये सरासर झूठ और बेबुनियाद इल्ज़ाम उन पर लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो पूरे मुल्क के अंदर हर एंगल में नफ़रत का एंगल निकाल कर उसको कहीं ना कहीं अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये इस्लामी तरीक़ा होता है कि जब कोई शख्स बीमार होता है या किसी के अंतिम संस्कार में हम शामिल होते हैं, तो उसकी मग़फ़िरत के लिए, उसके इसाल सवाब के लिए इस्लामिक रीति रिवाज में दुआ पढ़ी जाती है। फिर उसको दम करके, यानी उसको फूंक कर उस सामने वाले शख्स पर या जो बीमार है उस पर फूंका जाता है, ताकि उन आयतों का असर उस शख्स तक पहुंच जाए। इससे पहले भी कई बार शाहरुख खान को लेकर गलत और भ्रामक दावे किए गए हैं। अक्सर उन्हें पाकिस्तान समर्थक दिखाकर ऐसे भ्रामक दावे किए जाते हैं।